बलरामपुर सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र अंतर्गत बरहवा रेंज के धर्मपुर गांव में आखिरकार नर तेंदुए की तलाश पूरी हो गई। दो मादा के बाद तीसरा नर तेंदुआ शनिवार सुबह 7 बजे धर्मपुर गांव निकट लगाए गए पिंजरे में फंस गया। पिंजरा तोड़ने के प्रयास में तेंदुए को चोटें आई हैं। पकड़े जाने के बाद गुस्साई तेंदुए ने आक्रमण कर पिंजरे की दो सरिया तोड़ डाली। उसका दांत व मुंह रक्त रंजित हो गया। उसे पिंजरा समेत रेंज कार्यालय परिसर लाया गया है। तेंदुए का प्राथमिक उपचार कराया गया है। एक मादा तेंदुआ वहां पहले से ही मौजूद है। तेंदुआ पकड़े जाने की सूचना शासन को दी गई है। नेपाल सीमा से सटे हरैया सतघरवा क्षेत्र में पिछले 1.5 माह से तेंदुए का खौफ है। 5 गांव में 6 मासूम बच्चे तेंदुए का शिकार बन चुके हैं। तेंदुआ पकड़ने को वन विभाग की कई टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं। पिछले 10 दिनों के बीच 3 तेंदुओं को पकड़ने में सफलता मिली है, जिसमें 2 मादा शामिल हैं। नर तेंदुआ पकड़ने के लिए प्रभारी DFO MB सिंह ने नई रणनीति तैयार की थी। सर, जैसे जो धर्मपुर गांव में आज पकड़ा गया है तेंदुआ, इससे पहले लालनगर एवं बेलवा में पकड़ा गया है। करीब 10 दिनों में 3 लेपर्ड पकड़े गए हैं। सर, इस पर टीम के बारे में क्या कहेंगे? टीम हमारी मुस्तैद है और नेतृत्व मैं कर रहा हूँ हमारे अनुभवी DFO महोदय, उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। सफलता भी मिल रही है। ग्रामीणों का भी इसमें अच्छा सहयोग रहा। जैसे हमारे धर्मपुर के ग्राम प्रधान हैप्पी मिश्रा, इनका विशेष योगदान रहा है इसमें। और ग्रामीणों से ट्रेस आउट करते हुए हमने इसको पिंजड़े को शिफ्टिंग करते रहे कि कहाँ से निकल रहा है, क्या कर रहा है, उस हिसाब से पकड़ में आया। तो क्या सर, ये अभियान आगे चलता रहेगा? जागरूकता अभियान तो चलता रहेगा। जागरूकता अभियान अभी मेरी टीम मोबिलाइज रहेगी। जहाँ कहीं भी ग्रामीणों द्वारा सूचना दी जाएगी वहाँ पर टीम पहुँचेगी। हम इफेक्टिव कार्रवाई करते रहेंगे। क्षेत्र में लेपर्ड होने की और संभावना है सर क्या? चूँकि जंगल क्षेत्र है, तराई बेल्ट है, इससे नहीं इनकार किया जा सकता कि और तेंदुए नहीं होंगे। तराई बेल्ट है, जंगल से सटा हुआ सटे हुए गांव है। मेटिंग सीजन चल रहा है, इसमें निकल आते हैं बाहर भी। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ तुलसीपुर रेंज के जनकपुर कार्यालय में। विगत करीब 10 दिनों में बरहवा रेंज के लालनगर एवं बेलवा धर्मपुर गांव में करीब 3 लेपर्ड पकड़े जा चुके हैं। इस पर वन विभाग टीम की सक्रियता लगातार दिखाई दे रही है एवं ग्रामीणों में दहशत कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। मैं डी भारती समाचार के साथ संवाददाता KB गुप्ता। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।